मित्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय काव्य शास्त्र, जिसमें संस्कृत आलोचना के प्रमुख आचार्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इन आचार्यों के पॉइंट्स पर हम प्रश्नोत्तरी चर्चा भी करेंगे। हमारे पास एक पुस्तक उपलब्ध है जो बेहद महत्वपूर्ण है, वहाँ से हमने इन अंशों को लिया है और ये बेहद चुटीले और मजबूत बिंदु हैं जिनको आप समझ करके किसी भी हिंदी कंपटीशन को बीट कर लेंगे। पहले आचार्य भरत मुनि हैं। आचार्य भरत मुनि के बारे में हम समझते हैं। भरत मुनि को काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं, तो वो हैं आचार्य भरत मुनि। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय द्वितीय शती माना है। द्वितीय शती में आचार्य भरत मुनि रहे होंगे, ऐसा आचार्य बलदेव उपाध्याय ने माना है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि आचार्य बलदेव उपाध्याय ने आचार्य भरत मुनि का समय कितना माना है, तो द्वितीय शती। चलिए, भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्यशास्त्र है, हम सभी लोग जानते हैं, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। तो नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र आचार्य भरत मुनि की रचना है। नाट्यशास्त्र में क्या हुआ है, नाट्यशास्त्र में क्या वर्णित है, तो नाट्यशास्त्र में नाटक के सभी पक्षों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है, क्योंकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से तत्व लेकर के पांचवें वेद अर्थात नाट्यवेद यानी कि नाट्यशास्त्र की रचना आचार्य भरत मुनि ने की। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय और लगभग 5000 श्लोक हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नाट्यशास्त्र में लगभग कितने श्लोक हैं, तो 5000, इनकी संख्या 5000 के आसपास उपलब्ध है और 36 अध्यायों में यह श्लोक वर्णित हैं। चलिए, नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। काव्य की आलोचना वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। नेट जीआरएफ के लिए बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाट्यशास्त्र में काव्य की आलोचना किसके प्रसंग में की गई है, तो वाचिक अभिनय के प्रसंग में। किसके? वाचिक अभिनय के प्रसंग में की गई है। वाचिक अभिनय समझते हैं ना, वाणी से अभिनय किया गया। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 10 गुणों, 10 दोषों और 4 अलंकारों की चर्चा की है, मीमांसा की है, यानी चर्चा की है, यानी उनका विश्लेषण किया है। अगर ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार गुण कितने हैं, तो 10 गुण भी हैं और 10 दोष भी हैं और मात्र 4 अलंकारों की चर्चा की है। अगर आपसे पूछा जाए कि भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने गुणों की चर्चा की है, तो 10 गुण, या कितने गुण माने हैं, तो 10 गुण, अगर कितने दोष माने हैं कह दे तो 10 दोष, अगर पूछ ले कि कितने अलंकारों का निरूपण आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में किया है, तो वो है 4 अलंकार। अगर क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अलंकार है जिसकी चर्चा आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में नहीं की है, तो यमक, उपमा, रूपक और दीपक, इन 4 अलंकारों का। यौरूदी, यौरूदी आप याद कर लीजिए, यौरूदी, य उ रु और ती, इसका मतलब है यमक, उपमा, रूपक और दीपक अलंकार। इन 4 अलंकारों की चर्चा आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में की है और किसी की नहीं की है, तो इसलिए इन 4 अलंकारों को याद करिए। इनमें से कोई अलंकार जो नहीं होगा, तो ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अलंकार है जिसकी चर्चा आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में नहीं की है, तो यौरूदी आपने जब याद कर लिया है तो इससे आप क्लियर कर लेंगे। नाट्यशास्त्र के 6 एवं 7 अध्याय में रस तथा भाव का वर्णन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अब
एक क्वेश्चन बनता है कि नाट्य शास्त्र के खष्ट एवं सप्तम अध्याय में किसका वर्णन है? रस तथा भाव का वर्णन है। किसका वर्णन है? रस तथा भाव का। या पूछ सकता है रस तथा भाव का वर्णन नाट्य शास्त्र के किन अध्यायों में है? तो खष्ट एवं सप्तम यानी छठे और सातवें अध्याय में नाट्य शास्त्र में रस तथा भाव का निरूपण किया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो रसों की संख्या 8 मानी है। वर्तमान में कुल रस 9 माने जाते हैं। पूर्णतया अधिकतर आचार्यों ने नवरस माना, नवरस ठीक है, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या प्रारंभ में 8 मानी थी। चलिए, ये तो आपके भरत मुनि हो गए। अब पूछा जाएगा कि नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी है? तो 8। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितनी मानी है? 8। वैसे रस कितने होते हैं? तो 9, यानी कि नवरस ऐसा कहा जाता है। ये आप याद रखिए, नवरस कहा जाता है। और एक ट्रिक हमने दी है यवरूदी, यानी ये भी याद रखिए, यमक उपमा रूपक और दीपक अलंकार, इतने अलंकारों का प्रयोग यानी निरूपण किया है आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में। चलिए, अब आचार्य भामह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज हम केवल दो ही आचार्यों के बारे में चर्चा करेंगे, एक तो आचार्य भरत मुनि जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं और दूसरे हैं आचार्य भामह। चलिए, आचार्य भामह के विषय में समझ लेते हैं और प्रश्नोत्तरी शैली अपनाते हुए चलते हैं। भामह, आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामह का समय षष्ठ शती का पूर्वार्ध यानी कि लगभग 500 ईस्वी के आसपास रहे होंगे, ठीक है, तो षष्ठ शती के का पूर्वार्ध यानी 5.5 के आसपास, यानी अब षष्ठ शती का पूर्वार्ध याद रखिए, निश्चित किया है। आचार्य भामह का समय कितना है? तो अगर पूछ लिया जाए बलदेव उपाध्याय के आधार पर भामह का समय कितना माना जाता है, तो षष्ठ शती का पूर्वार्ध माना जाता है, ठीक है। चलिए, बलदेव उपाध्याय एक बहुत बड़े इस काव्यशास्त्र के आलोचक समीक्षक है। भामह कश्मीर के निवासी थे। भामह कहाँ के निवासी थे? तो कश्मीर के। ये भी पॉइंट याद करने योग्य है। इनका निवास स्थान पूछ लिया जाता है। इनके पिता का नाम रक्रिल गोमी था, रक्रिल गोमी। भामह के पिता का नाम क्या था? तो रक्रिल गोमी था। कहाँ के निवासी थे? तो कश्मीर के। भामह कश्मीर के निवासी थे और इनके पिता रक्रिल गोमी थे। क्या थे? रक्रिल गोमी। तो रक्रिल गोमी आप याद रखिए, बहुत ही अच्छा नाम है रक्रिल गोमी, एक नया नाम। अगर आज के युग में आप किसी बच्चे का नाम रख देते हैं तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी, रक्रिल गोमी, ठीक है। रक्रिल गोमी आचार्य भामह के पिता थे और ये कश्मीर के निवासी थे। सर्वप्रथम आचार्य भामह ने ही अलंकार को नाट्य शास्त्र की परतंत्रता से मुक्त कर एक स्वतंत्र शास्त्र या संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। इससे पहले, अब देखिए, आचार्य भरत मुनि के बाद आचार्य भामह हुए हैं। कभी कभी हमारे PGT में, नेट JRF में और स्लट वगैरह जितनी भी परीक्षाएं हिंदी की होती हैं तो ये पूछा जाता है, अधिकतर ये 5 प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय आचार्यों को कालक्रमानुसार लगाइए। तो आपने पहले आचार्य कौन पढ़े हैं? भरत मुनि। दूसरे आचार्य कौन पढ़े हैं? भामह। पहले आचार्य भरत मुनि का दूसरी शती समय माना है और इनका षष्ठ शती के पूर्वार्ध माना है, यानी कि इनके बाद भामह आते हैं। तो आप एक याद रखिएगा, भरत मुनि के बाद आचार्य भामह। मैं काल क्रमानुसार ही लेकर चलूँगा, सारे के सारे काव्य शास्त्र के आचार्य हम आपको करवा देंगे। तो चलिए, आप ये जान गए, कश्मीर के निवासी थे, पिता का नाम रक्रिल गोमी था, आचार्य भामह का समय षष्ठ शती का पूर्वार्ध था, बलदेव उपाध्याय जी ने माना है। सर्वप्रथम भामह ने ही, अब एक प्रयास किया आचार्य भामह ने, क्या प्रयास किया, जो नाट्य शास्त्र में एक अलंकार एक खंड हुआ करता था अलंकार का, उसको उन्होंने पूरा का पूरा एक अलंकार संप्रदाय, एक पुस्तक ही एक संप्रदाय के रूप में स्थापित कर दिया था। किसने? आचार्य भामह ने। पूरा का पूरा एक संप्रदाय, पूरा का पूरा एक संप्रदाय बनाया था अलंकार संप्रदाय। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य भामह हैं,
ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य अगर पूछ लिया जाए तो वह है भामा। तो नाट्यशास्त्र की प्रतंत्रता अर्थात नाट्यशास्त्र की जो अलंकार गुलामी कर रहा था उसको आज़ादी दी किसने? आचार्य भामा ने। उसको वहाँ से मुक्त करके एक स्वतंत्र शास्त्र के रूप में स्थापित किया, संप्रदाय के रूप में प्रस्तुत किया। किसने? आचार्य भामा ने। और किसे? अलंकार को। अलंकार एक गुलाम था किसका? नाट्यशास्त्र का। और अलंकार को एक संप्रदाय, एक व्यक्तित्व, एक व्यक्तिगत संप्रदाय स्थापित किया, एक अलग रूप दिया अलंकार को। उस संप्रदाय का नाम था अलंकार संप्रदाय और उसके प्रतिष्ठापक आचार्य थे आचार्य भामह। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है कौन सी? काव्यालंकार। काव्यालंकार नामक एक ग्रंथ की इन्होंने रचना की जो 6 परिच्छेदों में विभक्त था। अब इनकी और भरत मुनि की तुलनात्मक हिसाब से हम आगे चर्चा करेंगे। तो अब आपसे पूछा जाए काव्य अलंकार नामक ग्रंथ किसका है? तो आचार्य भामह का है, जो कितने परिच्छेदों में है? 6 परिच्छेदों में बांटा गया है। और ये भी पूछा जाता है कि आचार्य भामह द्वारा रचित या आचार्य भामह द्वारा रचित ग्रंथ के खंडों को क्या नाम दिया गया है? परिच्छेद, सर्ग, खंड या उपखंड, ऐसे करके पूछ लेगा। तो आपको याद रखना है परिच्छेदों में विभक्त है काव्य अलंकार। भामा के काव्य अलंकार में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका हम इस प्रकार दे रहे हैं। अगले पेज में हम आपको दिखाएंगे कि भामा ने अपने काव्य अलंकार में परिच्छेद के अनुसार अर्थात प्रत्येक परिच्छेद में किन विषयों का निरूपण किया है। बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, चलिए देख लेते हैं। अब परिच्छेद और विषय हम आसपास आपको करवा रहे हैं। प्रथम परिच्छेद में आचार्य भामा ने काव्य के साधन, लक्षण और भेदों का निरूपण किया। पहले पहले अगर कोई पुस्तक लिखी जाती है तो पहले उसका क्या किया जाता है? पहले उसके टाइप्स अर्थात उसके भेद कितने हैं, उसके लक्षण क्या हैं, उसकी परिभाषा। कोई भी प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रारंभ करने से पहले हम लोग परिभाषाएं ही दिया करते हैं। सबसे पहले परिभाषाएं, उसके अर्थ, उसका लक्षण, उसके उदाहरण। तो वही आचार्य भामह ने किया। प्रथम परिच्छेद में काव्य के साधन बताए, काव्य के लक्षण बताए और काव्य के भेदों का निरूपण किया था। द्वितीय और तृतीय यानी दूसरे और तीसरे परिच्छेद में अलंकार का निरूपण इन्होंने किया था। अलंकार का निरूपण अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए काव्य के साधन, लक्षण तथा भेदों का निरूपण किस परिच्छेद में आचार्य भामह ने अपने काव्यालंकार में किया है, तो प्रथम परिच्छेद में किया है। और अलंकार निरूपण बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है क्यों? क्योंकि अलंकार संप्रदाय एक उनका अलग का संप्रदाय था जिसके प्रतिष्ठापक आचार्य भामह थे। तो ये अधिकतर प्रायः क्वेश्चन बनता है कि अलंकार निरूपण आचार्य भामह के काव्यालंकार शास्त्र में, काव्यालंकार ग्रंथ में किस परिच्छेद में वर्णित है, किस परिच्छेद में उनका निरूपण अलंकार का किया गया है। तो वो दूसरे तीसरे, याद रखना, दूसरे या तीसरे परिच्छेद में किया गया है। चौथे परिच्छेद में क्या हुआ? 10 दोषों का निरूपण किया गया। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 10 दोष, तो आचार्य भरत मुनि ने 10 दोष माने और भामह ने भी 10 दोष माने हैं। तो दोषों की संख्या भामह और भरत मुनि दोनों ने 10 ही मानी है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, भरत मुनि के अनुसार भी दोष 10 हैं और भामह के अनुसार भी दोष 10 हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब पंचम परिच्छेद में न्याय विरोधी दोष निरूपण आचार्य भामह ने किया है और षष्ठ यानी अंतिम परिच्छेद में शब्द शुद्धि निरूपण किया है। न्याय विरोधी दोष निरूपण आचार्य भामह के काव्यालंकार के किस परिच्छेद में है, तो वो आप पंचम परिच्छेद में बता देंगे। और षष्ठ परिच्छेद में शब्द शुद्धिकरण निरूपण किया है, शब्द शुद्धि निरूपण आचार्य भामह ने काव्यालंकार में किस परिच्छेद में किया है, तो वो आपका हो जाएगा षष्ठ परिच्छेद। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं, फिर इनके बाद दंडी का समय आता है। तो आचार्य भामह प्रमुख काव्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। आचार्य भामह मानते हैं शब्दार्थौ सहितम काव्यम, अर्थात शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना ही चाहिए, यानी कि शब्द और अर्थ के अभाव में, शब्दार्थ के अभाव में काव्य असंभव है। इसलिए शब्दार्थौ सहितौ काव्यम आचार्य भामह ने ऐसा कहा है। तो ये पंक्ति बहुत अधिक पूछी जाती है, ये अक्षुण्ण रहती है यानी कि ये अछूती नहीं रहती, किसी भी परीक्षा में छूटती नहीं है।
शब्दार्थों सहितो काव्यम आचार्य भामह की ये पंक्ति है, याद रखिएगा। या आपको हिंदी में भी पूछ सकता है शब्द तथा अर्थ दोनों का काव्य होना यह किस आचार्य का मत है, तो आचार्य भामा का है। भरत मुनि द्वारा वर्णित 10 गुणों के स्थान पे अब बात गुणों की आती है। गुण 10 माने हैं किसने? भरत मुनि ने। और 3 गुण किसने माने हैं? भामा ने। यानी कि ये पॉइंट बन गया आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट। यानी कि भरत मुनि ने जो 10 गुणों का वर्णन किया था, उन 10 गुणों के स्थान पे मात्र 3 गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद जो हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी कक्षाओं से, माधुर्य ओज और प्रसाद गुण का निरूपण 3 गुणों को ही माना है और 3 गुणों का ही वर्णन किया है आचार्य भामह ने, और जबकि आचार्य भरत मुनि ने 10 गुणों का निरूपण किया है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण माना है, यानी वक्रोक्ति अलंकार आचार्य भामह के अनुसार सभी अलंकारों का प्राण है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सभी अलंकारों का प्राण वक्रोक्ति को किसने माना है, तो आचार्य भामह ने, या फिर आचार्य भामह ने सभी अलंकारों का प्राण किसको माना है, तो वक्रोक्ति अलंकार को माना है। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है सभी अलंकारों का प्राण है तो आप वक्रोक्ति को लिखिएगा, ना तो भामह का नाम आएगा ना तो काव्य शास्त्र का ना काव्य अलंकार का नाम आएगा। वक्रोक्ति सिर्फ यही पूछा जाएगा कि सभी अलंकारों का प्राण कौन है, तो अक्रोक्ति अलंकार है। 10 विध अर्थात 10 प्रकार के काव्य दोषों का विवेचन किसने किया है, तो आचार्य भामा ने किया है। और 10 काव्य दोषों का निरूपण आचार्य भरत मुनि ने भी किया है। रीति को न मानकर काव्य के गुणों का विवेचन किया है आचार्य भामा ने। चलिए थोड़ी सी चर्चा हम दंडी की भी कर लेते हैं। 3 प्रमुख आचार्यों को हम बताने वाले थे, तो 3 प्रमुख आचार्य हो जाएंगे हमारे, दंडी, भामह और भरत मुनि। तो हमने देखा भरत मुनि को, दंडी सॉरी भरत मुनि और भामह दोनों को हमने समझ लिया है। अब आइए दंडी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं और देखते हैं दंडी का क्या हिसाब किताब रहा और दंडी ने आखिर क्या क्या निरूपित किया। आचार्य दंडी का समय सप्तम शती स्वीकार किया जाता है। प्रथम प्रश्न आपसे यही पूछ सकता है कि आचार्य दंडी का समय बहुत पूछा जाता है, सप्तम शती यानी सातवीं शताब्दी आचार्य दंडी का समय रहा था। आचार्य दंडी संस्कृत के प्रमुख आचार्यों में गिने जाते हैं। ये दक्षिण भारत के निवासी थे, साउथ इंडियन दंडी थे। कौन थे? साउथ इंडियन, दक्षिण भारत के निवासी थे। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। दंडी पल्लव नरेश विष्णु सिंह के सभा पंडित थे। पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित कौन थे? तो आचार्य दंडी थे। आचार्य दंडी पल्लव नरेश सिंह विष्णु के सभा पंडित थे। आचार्य दंडी कहाँ के निवासी थे? तो आचार्य दंडी दक्षिण भारत के निवासी थे। इनका समय सातवीं शताब्दी स्वीकार किया जाता है। दंडी अलंकार संप्रदाय से संबद्ध थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि अलंकार संप्रदाय से संबद्ध और आचार्य दूसरे कौन हैं? तो वो है दंडी। प्रथम आचार्य भामह हैं, दूसरे आचार्य दंडी हैं जो अलंकार संप्रदाय से संबंधित थे। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सा आचार्य है, वह संस्कृत का कौन सा विद्वान है जो अलंकार से संबंधित, अलंकार संप्रदाय से संबंधित नहीं था। तो इस ऐसे प्रश्न बनते चले जाते हैं। काव्यादर्श एक प्रमुख ग्रंथ है। काव्यादर्श किसने लिखा? आचार्य दंडी ने लिखा। काव्यादर्श, दर्श में दा से दंडी, तो काव्यादर्श किसका है? आचार्य दंडी का है। दंडी नामक महनीय ग्रंथ की रचना दंडी ने, काव्यादर्श नामक महनीय महत्वपूर्ण महान ग्रंथ की रचना की काव्यादर्श। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए काव्यादर्श में कितने परिच्छेद हैं, तो 4 परिच्छेद हैं। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद, लगभग 650 श्लोक हैं, यानी 650 के आसपास श्लोक हमें काव्यादर्श में देखने को मिलते हैं। काव्यादर्श किसकी रचना है? तो आचार्य दंडी की रचना है। आचार्य दंडी अलंकार संप्रदाय से संबद्ध थे। काव्यादर्श में 4 परिच्छेद हैं और 650 श्लोक हैं। आचार्य दंडी प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया। वो कौन सा प्रथम आचार्य था जिसने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया था?
वो थे आचार्य दंडी, जिन्होंने वैदर्भी रीति और गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया था, इसका संबंध गुण से स्थापित किया था और यह भी कहा था कि गौड़ी रीति और वैदर्भी रीति दोनों का संबंध गुणों से है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है वैदर्भी तथा गौड़ी रीति का संबंध किससे है, रस से, अलंकार से, दोष से या फिर गुण से, तो वो है गुण से। वैदर्भी तथा गौड़ी रीति का संबंध पारस्परिक अंतर स्पष्ट किया था इसमें आचार्य दंडी ने और इनका संबंध गुण से स्थापित किया था आचार्य दंडी ने। तो एक बार और देख लीजिए, वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को, डिफरेंस को किसने स्पष्ट किया था, किसने इसको क्लियर किया था, इस अवधारणा को, इस कंसेप्ट को किसने क्लियर किया था वैदर्भी और गौड़ी रीति के अंतर को किसने, तो आचार्य दंडी ने। ये प्रथम आचार्य थे, ऐसे प्रथम आचार्य थे जिन्होंने वैदर्भी तथा गौड़ी रीति के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट किया था, इसका संबंध गुण से स्थापित किया था। चलिए अब हम दंडी के काव्यादर्श में परिच्छेदानुसार निरूपित विषयों की तालिका कैसे है वो देखिए। प्रथम, जैसे कि हमने बताया है आपको, चार परिच्छेद काव्यादर्श में देखने को मिलते हैं और काव्यालंकार में 6 परिच्छेद देखने को मिलते हैं। प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण भेद रीति गुण का विवेचन किया गया है। काव्य के गुण क्या हैं, काव्य की रीति क्या है, काव्य के भेद क्या है, काव्य के लक्षण क्या हैं, ऐसा निरूपण प्रथम परिच्छेद में आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में किया है। द्वितीय परिच्छेद में अर्थालंकार का निरूपण किया गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि काव्यादर्श के द्वितीय परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका निरूपण है, अलंकार का, रीति का, गुण का या फिर दोष का, तो वो है अर्थालंकार का। तृतीय परिच्छेद में शब्दालंकार निरूपण हुआ है, विशेषता यमक का निरूपण किया गया है। अब आपसे यहां पर प्रश्न बन सकता है कि शब्दालंकार निरूपण में आचार्य दंडी के काव्यादर्श ग्रंथ में शब्दालंकार निरूपण में किस अलंकार को महत्ता दी गई है, तो वो है यमक अलंकार। यानी कि तृतीय परिच्छेद में काव्यादर्श जो दंडी द्वारा रचित है उसके तृतीय परिच्छेद में विशेषतः यमक अलंकार का निरूपण शब्दालंकारों के अंतर्गत किया गया है। द्वितीय परिच्छेद में अर्थालंकार है, उससे पहले प्रथम परिच्छेद में काव्य लक्षण भेद रीति गुण का विवेचन है जो कि आचार्य भामह के काव्यालंकार में हुआ था। चतुर्थ परिच्छेद में दश विध अर्थात दस काव्य के दोषों का विवेचन किया गया है। तो दस काव्य के दोष भामह ने भी माना, भरत मुनि ने भी माना और दंडी ने भी माना। दस दोषों को दंडी ने माना और गुणों को आचार्य भामह ने, गुणों को दस तीन माना है, तीन गुण, और आचार्य भरत मुनि ने 10 गुण माने हैं। इन्होंने गुण का विवेचन किया है परंतु इसमें दिया नहीं है। चलिए, तो आचार्य बलदेव उपाध्याय दंडी को रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक बताते हैं। आचार्य बलदेव उपाध्याय यह मानते हैं कि दंडी रीति संप्रदाय के मार्गदर्शक थे। पॉइंट टू बी नोटेड, रीति संप्रदाय का मार्गदर्शक कौन था, तो वो थे आचार्य दंडी। माना किसने, बलदेव उपाध्याय ने। अगर आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछ लेता है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वो वामन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वामन है, लेकिन मार्गदर्शक कौन है, वो आपके हैं दंडी। चलिए, कैसा लगा, हम आगे भी जितने भी आचार्य हैं सब पूरा का पूरा काव्यशास्त्र करवाएंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे हम पढ़ेंगे आचार्य वामन को, जिन्होंने रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया और मार्गदर्शन तो आचार्य दंडी ने किया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।